तो चलिए फिर से हम सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशंस को। इसके पहले आपका स्वागत है बेसिक मैथ्स चैनल में, वेलकम बैक टू बेसिक मैथ्स चैनल स्टूडेंट्स। तो छात्रों चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा है 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में, तो 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 8 इज इक्वल टू 12 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, अब ट्रांसफर मतलब पक्षांतर, इस 8 को हमें बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये 12 जैसे का वैसा, 8 का हो जाएगा माइनस 8, और 2x जैसे का वैसा रहेगा। ओके, तो ये मिल रहा है हमें, 12 में से 8 गया तो 4 बचा। ठीक है, फिर से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, x इज इक्वल टू होगा 4/2, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर 2। ओके, ये तो ये हमारा आंसर है इसका, तो ये हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2। नाउ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है, यहाँ पर लिखा है -4 ब्रैकेट में 2 प्लस x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलिए -4 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे, तो ये -4 इंटू 2, ठीक है, प्लस अब ये -4 का मल्टीप्लाई इस x में भी करना है, तो -4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, माइनस ये माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस, 4 इंटू एक्स मतलब 4x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8। ओके, चलिए फिर से ट्रांसफर मतलब पक्षांतर। ठीक है, तो माइनस 4x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8, ये वाला 8 हमारे पास इस तरफ आएगा तो वो भी प्लस में ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 हो गया हमारे पास। ओके, फिर से ट्रांसफर करेंगे, फिर से ट्रांसफर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस एक्स इज इक्वल टू 16/4, ये कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4, इस माइनस का भी ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, तो ये होगा हमारा आंसर।